Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड किचन 92। मैं हूँ मेरुकैया और आज हम बनाने जा रहे हैं चिली पोटैटो रेस्टोरेंट स्टाइल में। ये बहुत टेस्टी डिश है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ये हमने 300 ग्राम आलू लिया है और हमने इसे इस शेप में काट लिया। 1 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर, 1 टीस्पून सफ़ेद तिल, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक, 5 लहसुन को हमने बारीक काट लिया, आधे शिमला मिर्च को हमने बारीक काट लिया, 1 प्याज को हमने काट लिया है। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक पैन लिया है और हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और ये कटे हुए आलू हम डाल देंगे और इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे और हम इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। ये देखिए, हमारा आलू 5 मिनट बाद बॉईल हो चुका है। ये हमने 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, 3 टेबलस्पून मैदा। अब हम आलू को हम साइड में कर देंगे। हमने एक बाउल लिया है और उसमें हम ये मैदा और ये कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम एक थिक पेस्ट में बना लेंगे। इसका थिक पेस्ट, ज़रा ज़रा सा पानी डाल के, ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है क्योंकि हमें इसे आलू पे कोट करना है। ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, आलू पे अच्छे से कोट हो जाए, पतला नहीं होना चाहिए कि वे आलू पे चढ़ ना पाए। ये देखिए, इतना थिक होना चाहिए ये। और अब हम ये आलू में डाल देंगे सारा, इस तरह से, और इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा आलू अच्छी तरह से कोट हो चुका है। हमने यहाँ पर एक पैन लिया है और उसमें ऑयल डाल दिया, ऑयल को गरम कर लिया है। अब हम अपने ये आलू डालेंगे इसमें, जो हमने कॉर्नफ्लावर से कोट कर लिया था, ये देखिए, और इसे हम कर लेंगे फ्राई। बहुत अच्छा फ्राई, कुरकुरा फ्राई करना है। हम इसको 2 बार में फ्राई करेंगे। आलू को एक बार फ्राई किया हमने और इसे निकाल लेंगे, उसके बाद ऑयल गरम करेंगे। 1 मिनट के लिए ऑयल में डालेंगे आलू को और उसी वक्त निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से, पहले हम अलग कर लेंगे इसे। हल्का हल्का सा ये चिपक जाता है क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है, कॉर्नफ्लावर में थोड़ी चिपक होती है, मैदा में भी चिपक होती है, तो इसे हम इस तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसमें कोई कलर नहीं डाला, मैदा भी वाइट होता है, कॉर्नफ्लावर भी वाइट होता है, तो इस वजह से फ्राई जो हुआ है वाइट कलर में हुआ है, हल्का हल्का सा ब्राउन हुआ है, उतने में हम निकाल लेंगे इसे। ये देखिए, हमने सारा आलू फ्राई कर लिया। अब ये हम दूसरी बार फ्राई करेंगे। एक बार हमने आलू को फ्राई कर लिया, बस 1 मिनट के लिए हम चला के गर्म ऑयल में आलू डाल के हम इसको दोबारा निकाल लेंगे। ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना, जलाना नहीं है आलू को, हल्का सा फ्राई करना है। दोबारा फ्राई करने से आलू हमारा क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत अच्छी आवाज़ आने लगेगी, जैसे क्रिस्पी हो जाता है आलू वैसे। ये देखिए, 1 मिनट हमारा हो गया है, हमने इसे चला लिया 1 मिनट तक। अब हम इसे दोबारा निकाल लेंगे और उसी तरह से बचे हुए जो हमारे आलू हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, मैंने दिखा दिया आपको किस तरह से इसे करना है। ये देखिए, अब हमारा आलू बिल्कुल फ्राई होने वाला है। अब हम इसे निकाल लेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। हमने ज़रा सा ऑयल लिया, ज़्यादा ऑयल नहीं, थोड़ा सा ऑयल लिया और उसमें कटे हुए लहसुन डाल दिए हैं। ये देखिए, लहसुन को हमें बारीक बारीक काटना है। लहसुन डालने के बाद जब हमें चिली पटेटो रहता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको अगर मोटी मोटी प्याज पसंद है, आप खा सकते हैं, तो आप डालिए। हमने चिली पटेटो में मोटी मोटी डलती है तो हमने थोड़ी सी से पतली कर ली है क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा पसंद नहीं करते मोटी मोटी प्याज को, तो आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। मोटी प्याज
आप डाल सकते हैं इसमें। और ये लंबे लंबे साइज में पतले पतले कटे हुए ये शिमला मिर्च हैं, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। इसमें ग्रीन प्याज भी डलती है, ग्रीन प्याज जो होती है वो भी डलती है, लेकिन अभी ये सीज़न नहीं है उसका ग्रीन प्याज का, वो नेक्स्ट मंथ से होगा। तो इस वजह से अगर आप जब भी बनाएं नेक्स्ट मंथ में, अगर आप इसे बनाएं तो ग्रीन प्याज भी इसमें ऐड ज़रूर करें। हमने इसमें डाल दिया नमक, ये देखिए, और हम डाल देंगे इसमें ये टोमेटो सॉस, ये सिरका, सोया सोया सॉस है ये। सोया सॉस को सिर्फ 1 टीस्पून डालना है, इतने में, इतने आलू में, इसको ज़्यादा नहीं डालना। ये चिली सॉस, रेड चिली सॉस, क्योंकि सोया सॉस डालने से अगर आपने ज़रा सा भी ज़्यादा इसे डाल दिया तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसकी बिल्कुल परफेक्ट हमें इसे डालना होता है। ये देखिए, ये फुल फ्लेम पे हम बना रहे हैं, तो बस ये 2 मिनट में ही बन गया। अब हम इसमें डाल देंगे फूड कलर। फूड कलर इसलिए डाल रहे हैं कि हम, जब आपने रेस्टोरेंट में खाया होगा तो ये ऑरेंज कलर का होगा, तो इस वजह से हम इसमें फूड कलर डालेंगे कि बाहर जैसा बिल्कुल बने, दिखे भी। ये देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे वाइट तिल, ये देखिए। बस हमने इसे 2 मिनट के लिए चला लिया है, फुल फ्लेम पे हम जल्दी जल्दी से भून भून रहे हैं, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए आलू। ये बहुत जल्दी बन जाने वाली डिश है, बस आपको आलू फ्राई करना है, मतलब आप फटाफट सब कुछ कर सकते हैं। एक तरफ आलू बॉईल किया, फिर आलू बस 5 मिनट बॉईल करना है, उसके बाद उसे फ्राई कर लेना है। फ्राई करते करते में आप अपना मसाला तैयार कर सकते हैं। ये जो हमने सॉस का मसाला बनाया है प्याज और शिमला मिर्च का, जल्दी से बन जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक है। आप शाम में इसे खाइए चाय के साथ, या गेस्ट के आगे रखिए, मज़ा आ जाना है, खाने वाले को भी, और आपकी तारीफ होने के बाद तो आपको भी बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये देखिए, हमारा चिली पटेटो बन के रेडी है, बहुत प्यारा रंग आया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने थोड़ी सी लो फ्लेम कर दी है, अब हम इसमें करेंगे ये कि हम कॉर्नफ्लावर लेंगे, और 2 या 3 टीस्पून, जितना आप थिक ग्रेवी पसंद करते हैं इसकी, वो आप इसमें ऐड कर देंगे। 2 या 3 टीस्पून आप कॉर्नफ्लावर को लेंगे, थोड़े से पानी में उसको घोल बनाएंगे और इसमें डाल देंगे। हमें ज़्यादा थिक ग्रेवी नहीं पसंद, तो हमने इसमें सिर्फ 2 टीस्पून डाला है। आप इसमें 3 या 4 डाल सकते हैं, अगर आपको थिक ग्रेवी इसकी थोड़ी सी पसंद है, जिससे बहुत ही अच्छा, बिल्कुल बाहर जैसा टेक्सचर देगा। आप इसमें मिर्च अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल बाहर जैसा चिली पटेटो बन के रेडी है। हमने इसके ऊपर व्हाइट तिल स्प्रिंकल किया है, और नमक और मिर्च मैं अपनी मर्ज़ी से आपको घटाने बढ़ाने के लिए इसलिए कहती हूँ, सबके घर में अपनी पसंद से खाया जाता है नमक और मिर्च को, तो इसलिए। और आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं, मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, और अगली रेसिपी में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।